Fusion. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप जो है कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ करते हैं, सो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी कि प्लीज़ मेरी रैम कैसे बढ़ेगी, मेरी जो स्पीड है फ़ोन की वो कैसे ज़्यादा होगी, और भी बहुत सारी जो आपकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में देखा हो कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बताते हैं। सो दोस्तों, एप्लीकेशन डाउनलोड करने से क्या होता है कि आपके फ़ोन की स्पीड जो है जो पहले सही रहती है, लेकिन उसको डालने के बाद जो है बहुत ही ख़राब हो जाती है और आपका इंटरनेट डाटा भी जो है ख़त्म होने लगता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और मैं आपको बता दूं, आप जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उसके लिए डाउनलोड नहीं मत करें, क्योंकि आपके फ़ोन में ही बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, फीचर हैं जो कंपनीज़ ने दिए हैं, जिसे जो है आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जो है ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने वो फंक्शन कैसे ढूंढने हैं उसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चार कौन सी वो खुफिया सेटिंग है आप देखते रहिए। सबसे पहले तो आपको जाना होगा आपके फ़ोन की सेटिंग पे। देखते रहिए, जब मैं सबसे पहले जो आपको ये खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा, तो ये पहली सेटिंग है, आपने ध्यान से देखनी है। तो पहली सेटिंग में जाने के बाद आपने जो है सेटिंग में जाने के बाद नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपने जाना है यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना होगा क्लाउड एंड अकाउंट्स। तो आपके फ़ोन में अकाउंट्स का भी हो सकता है, तो आपने यहाँ पे जाने के बाद आपने अकाउंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपने क्या करना है, ऑटो सिंक्रोनाइज डाटा, इसको जो है आपने ऑफ कर देना है, और इसको बाद में आप ऑन भी कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत होगी। तो इसको मैं यहाँ से जो है ऑफ़ कर देता हूँ या फिर ऑन कर देता हूँ। आप इसे जो है ऑफ़ कर दें, क्योंकि ऑफ़ करने के बाद जो है आपके फ़ोन की जो डाटा है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा डाटा यूज़ करती हैं। तो इसके बाद जो है ये पहली सेटिंग थी। सो उसके बाद आपकी मैं दूसरी सेटिंग बताऊंगा, क्योंकि ये दूसरी सेटिंग जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों सेटिंग आपने करनी है, तभी आपका डाटा जो सेव होगा और आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो बचेगी और आपका फ़ोन जो है फास्ट वर्क करेगा। दूसरी सेटिंग है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाना होगा, अपने एप्लीकेशन मैनेजर में। एप्लीकेशन मैनेजर में जाने के बाद आप जो है अपनी फालतू एप्लीकेशन जो है जिनका आप यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे जाने के बाद उन एप्लीकेशन में जाने के बाद आपने जाना है स्टोरेज में। स्टोरेज में देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, आपने ढूंढना है अपने यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजर में जाके जो है अपने स्टोरेज का ऑप्शन ढूंढना है। फिर यहाँ पे आके आपने क्लियर डाटा कर देना है, क्लियर कैचे, ये दोनों आपने यहाँ से कर देना है। इसको करने के बाद क्या होगा कि वो एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड में वर्क नहीं करेगी और आपका डाटा भी सेव होगा और फ़ोन की जो स्पीड है वो भी बनी रहेगी। तो ये जो आपकी दूसरी सेटिंग थी। फिर मैं आपको जो है तीसरी खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा, वो भी आप देखते रहिए। यहाँ के मैं आपको चार सेटिंग बताऊंगा, मैं आपको जो है तीसरी बताऊंगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपका क्रोम ब्राउज़र पे। आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो है अगर क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो आपने जो है यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपने थ्री डॉट पे ऊपर क्लिक करना है। तो थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है इसकी सेटिंग पे। आप देखते रहिए, मैं आपने जाना है इसके बाद आपके क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपने नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपने यहाँ पे जो है डाटा सेवर वाला ऑप्शन जो है ढूंढना है। आपको यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे मिल गया डाटा सेवर ऑप्शन, ये मैंने ऑन रखा हुआ है, आपके फ़ोन में ऑफ रहेगा तो आप जो है इसे ऑन कर लें। डाटा सेवर ऑन करने के बाद जो है आपका फ़ोन की जो फाइल खुलेगी वो कंप्रेस होकर खुलेगी और आपका ज़्यादा डाटा भी यूज़ नहीं होगा और फ़ोन की स्पीड भी बनी रहेगी। ये आपने जो है यहाँ से ऑन कर ही लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसे जो है ऑन कर लें। ये जो ऑप्शन है काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट है, इसको आप ऑन करेंगे तो आप जो है आपका डाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेव रहेगा और आप जो है अनलिमिटेड ब्राउजिंग कर सकेंगे और डाउनलोडिंग भी। तो ये इसको जो है आपने यहाँ से ऑन कर देना है। फिर आपको मैं तीसरी सेटिंग बताऊँगा, तीसरी सेटिंग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उसके लिए आपको जाना होगा आपकी सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपने जाना डेवलपर ऑप्शन पे। डेवलपर ऑप्शन जो है कैसे ऑन करते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो डेवलपर ऑप्शन को आपने जाके यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो है आपने कौन से ऑप्शन पे जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपको इस तरह की जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा, फिर आपने नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है। आपने एक ऑप्शन ढूंढना है यहाँ पे, वो मैं आपको बता दूंगा, एनिमेशन स्केल। एनिमेशन स्केल का आपने यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है। देख सकते हो, एनिमेशन स्केल का ऑप्शन जो है
विंडो एनिमेशन स्केल का ये मिल गया, आपने यहाँ से जो है इसे ऑफ कर देना है, मतलब कि आपकी बैकग्राउंड की जो एनिमेशन है वो वर्क नहीं करेगी। उसके बाद ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल, इसको भी यहाँ पे यहाँ से जो है आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद जो आपका डिवाइस जो है बिल्कुल स्पीड वर्क करेगा, आपका फ़ोन जो है बिल्कुल स्मूथली वर्क करेगा और हैंग नहीं होगा। ये जो सेटिंग आपने करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप जो है किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस पे वर्क करते हैं या भी कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस आप यूज़ करते हैं। तो ये थी आपकी चार खुफिया सेटिंग। इसको यूज़ करने के बाद आप कमेंट करना कि हाँ मेरे फ़ोन की स्पीड बढ़ गई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर नहीं बढ़ेगी तब भी जो है आप कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों ये थी आज का वीडियो, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर।